अल्पसंख्याकांसंबंधित प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी मायनॉरिटी ऍडव्हायझरी कमिटीची स्थापना करण्यात आली आहे. अल्पसंख्याक सल्लागार समितीच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. सिकंदर अली वैद्य मेमोरियल हॉलमध्ये ॲडव्होकेट काझी बहाउद्दीन यांच्या अध्यक्षतेखाली अल्पसंख्याक सल्लागार समितीची बैठक झाली. या बैठकीमध्ये अल्पसंख्याकांच्या विविध प्रश्नांवर विचार विनिमय करून अनेक प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले. तसेच बैठकीत निर्णय घेण्यात आला की विभागीय आयुक्त यांच्या निवासस्थानाजवळ ट्रॅफिक आयलँड तयार करण्यासाठी संबंधित विभागाकडे मागणी करण्यात येईल. यावेळी ॲडव्होकेट एम ए पठाण, सलीमुद्दीन चिस्ती, सरताज खान, के एम चिस्ती, डॉक्टर एस व्ही रजवी, खलीर अहमद खान आणि कमिटीचे अन्य सदस्यही उपस्थित होते. मैं हमारा जो माइनॉरिटी एडवाइजरी फोरम रजिस्टर है उसका सदर के हैसियत से आज जो स्टेटमेंट दे रहा हूँ. हमारे जो फोरम है ये माइनॉरिटी एडवाइजरी फोरम वर्क रजिस्टर है और इसमें माइनॉरिटी के वेलफेयर के लिए और दीगर सोसाइटीज़ के लिए काम करने का हमने तय किया था. तकरीबन 4 साल से छोटे मोटे मुद्दे हम रेस कर रहे हैं और उस पर काम कर रहे हैं. उस लिहाज से शहर में आज जो रस्तों की हालत है महानगर पालिका का, इस पर कोई तवज्जो नहीं दिख रही है. जैसा कि दमड़ी महल के पास अभी एक रास्ता बनाया गया और वहाँ पर जो धूल और गिट्टी पत्थर वगैरह वहाँ पड़े हुए हैं, वहाँ से रोड डाइवर्ट किया गया और व्हीकल्स जो है वहाँ से जा रहे हैं, तो उससे पोल्यूशन पैदा हो रहा है. शहरियान को काफ़ी तकलीफ़ हो रही है और उसी लिहाज से जो दमड़ी महल के पास जो रास्ता है वहाँ जो डाइवर्ट करना ज़रूरी है, उस रोड से डिवाइडर तोड़कर उसको ट्रैफिक आइलैंड बनाना है. इसलिए कॉरपोरेशन ने उस पर तवज्जो देना चाहिए.